असलमेंट्स आवर यू होप सो यू ऑल आर फाइन टूडे इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड टूडे टॉपिक अंडरलाइन वर्ब्स जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अंडरलाइन वर्ब्स ये वर्ब्स है और इसे आपने अंडरलाइन करना है आई विल टेल यू मैं आपको बताऊंगी की कि किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस भी डेट की अपलोडिंग होगी आपने वो यहाँ पर डेट मैंशन करना है डेट शो करेंगे आप यहाँ पर उसके बाद आपने पेज नंबर यहाँ पर शो करना है साइड में पेज नंबर थर्टी एट की वर्किंग है ये आपने इस तरीके से वर्किंग करनी है ठीक है सबसे पहले नंबर वन यहाँ पर लिखना है आपने यानी ये पार्ट नंबर वन है रीड दीज इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरलाइन वर्ब्स आप इन in इंस्ट्रक्शन को रीड करें और अंडरलाइन करें वर्ब्स पर ठीक है रीड आर ई ए डी रीड

A and D and underline U N D E R under L I N E line underline the verbs T H E the V E R B S verbs read these instructions and underline the verbs in instructions को पढ़ें और verbs पे underline करें verbs का मैंने आपको बताया था verb का क्या मतलब होता है जो काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं नंबर वन है लुक एट माय न्यू हैट आप देखें मेरे न्यू हैट को अब देखें इसमें क्या चीज किस चीज का काम हो रहा है देखने का काम हो रहा है वर्ब है ना देख रहे हैं तो लुक के नीचे आपने इस तरीके से क्या करना है ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे आप ठीक है लुक आपके पास क्या है वर्ब है वर्ब हम किसे कहते हैं जिस चीज पर वर्ब इज एन एक्शन मैंने आपको वर्किंग करवाई थी ना डेफिनेशन करवाई थी कि वर्ब हम कहते हैं जिस पर काम का एक्शन हो यानी अभी किस चीज पर काम हो रहा हेड है? को क्या करने पर काम हो रहा है देखने का काम हो रहा है ना देख रहे हैं हम हेड को तो ये हमारे पास क्या है वर्ब है इसी तरीके से पहले आप देख लें कि वर्ब क्या क्या है उसके बाद में आपको समझाती हूँ फ्राई द अनियंस अनियंस को फ्राई करने का काम हो रहा है यानी एक्शन uh, किस पर है फ्राई करने पर ठीक है तो ये आपके पास क्या है वर्ब है चिकन इन द ओवन चिकन को ओवन के अंदर क्या करना है रखना है ठीक है तो किस चीज का काम हो रहा है रखने का काम हो रहा है यहां पर Sit ऑन दैट चेयर उस चेयर पर क्या करें बैठें। तो चेयर पर एक्शन किस चीज पर है बैठने पर है एक्शंस की बात हो रही है ना यानी देखने पर एक्शन है फ्राई करने पर एक्शन है पुट पर एक्शन है बैठने पर एक्शन है इसी तरीके से गिव द बैग टू ग्रैंड पा ग्रैंड पा को बैग दे यानी गिव देने का काम हो रहा है यहाँ पर ग्रैंड पा को क्या करना है देना है ठीक है तो एक्शन किस चीज पर है देने पर एक्शन है चॉप द टोमेटोज टोमेटो को चॉप करें चॉप करना यानी काटना टुकड़े करना उसके ठीक है तो यानी टोमेटो को किस चीज़ का काम हो रहा है चॉप करने का काम हो रहा है तो ये वर्ब्स हैं सारे वर्ब्स हम किसे कहते हैं जिस काम पर एक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं यानी जो काम हो रहा होता है इसमें देखने का काम हो रहा था इसमें फ्राई करने का काम हो रहा है इसमें रखने का काम हो रहा है इसमें बैठने का काम हो रहा है इसमें देने का काम हो रहा है और इसमें चॉप करने का काम हो रहा है तो अब हम इसको पढ़ते हैं लुक एल डबल ओ के लुक ए टी एट एम वाई माई एन ई डब्ल्यू न्यू एच ए टी हैट देन फुल इस्टॉप लुक एट माई न्यू हेट मेरी न्यू मेरे न्यू हेड को देखें ठीक है नंबर टू है एफ आर वाई फ्राई टी एच ई दो एन आई ओ एन एस अनियन्स फ्राई द अनियन्स अनियंस को क्या करें प्याज को क्या करें फ्राई करें दैन फुल इस्टॉप नंबर थ्री है पुट द चिकन पी यू टी पुट टी एच ई सी एच आई सी के ई एन पुट द चिकन आई एन एन टी एच ई वी ई एन पुट द चिकन इन द ओवन चिकन को ओवन में रखें पॉइंट नंबर फोर है एस आई टी सेट ओ एन ऑन टी एच ए टी डैट सी एच ए आई आर chair सेट ऑन डेट चेयर उस चेयर पर बैठे फुल स्टॉप नंबर फाइव है गिव द बैग टू ग्रैंड पा जी आई वीई गिव टी एच ई दी ए जी बैग टी ओ टू जी आर ए एंडी पी ए ग्रैंड पा ग्रैंड पा को बैग दें ठीक है पॉइंट नंबर सिक्स है सी एच ओ पी चॉप टी एच ई द टी ओ एम ए टमैट टी ओ एस टोस टुमैटोस फुल स्टॉप तो इन इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छी तरीके से रीड करना है और इसमें आपने सर्च करना है कि वर्ब क्या है वर्ब हम कहते हैं किसी भी काम के करने को जो काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं तो ये वर्ब से सारे इन्हें आपने ब्लू कलर से नीचे क्या करना है अंडरलाइन करना है ताकि इससे हाईलाइट हो जाए कि ये तमाम क्या है वर्ब्स हैं ठीक है और हर पॉइंट के एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है ओके ये आपकी वर्किंग है इसे नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा ख़ुद से कीजिएगा डेट डालकर कीजिएगा और पेंसिल से करेंगे तमाम काम और ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे ओके थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज